हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर पॉलिटेक्निक केमिकल गुरु। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न ऑल अबाउट द केमिकल टेक्नोलॉजी सेकंड। जी हाँ दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम सभी केमिकल टेक्नोलॉजी सेकंड के अंदर जितने भी आपके सब्जेक्ट थे, जितने भी आपकी इंडस्ट्रीज दी गई हैं, उनके फ्लो शीट डायग्राम के साथ में सारे इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। कोई भी इंडस्ट्री यहाँ से छूट के नहीं जाएगी, चाहे वो सोडा ऐश हो या फिर सोडियम कार्बोनेट हो या फिर कास्टिक सोडा हो या फिर आपकी सीमेंट इंडस्ट्री हो या फिर अमोनिया इंडस्ट्री हो। ऑल अबाउट द केमिकल टेक्नोलॉजी सेकंड, जितनी भी उसके अंदर सारी इंडस्ट्रीज़ के बारे में आज यहाँ पे हम रॉ मटेरियल्स, इंट्रोडक्शन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शन, फ्लो शीट डायग्राम, प्रोसेस डिस्क्रिप्शन सबके साथ में सारे इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों ये वन शॉट लेक्चर है, जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देखा भी होगा। वन शॉट लेक्चर बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है दोस्तों। आप लोग अपना दोस्तों के साथ ये लेक्चर जरूर शेयर करिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे दोस्तों, मुझे अच्छा लगेगा, मेरे वीडियो पे व्यूज़ आएंगे, तो मैं आप सभी को सीआरई के भी लेक्चर्स, वन शॉट लेक्चर्स प्रोवाइड कराऊंगा, ऑल सब्जेक्ट के वन शॉट लेक्चर्स प्रोवाइड कराऊंगा। तो दोस्तों ज़्यादा बातें ना करते हुए चलते हैं अपने फर्स्ट इंडस्ट्रीज़ में, जो हमारी है अमोनिया इंडस्ट्री। अमोनिया इंडस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। तो अमोनिया इंडस्ट्री में क्या है दोस्तों, सबसे पहले हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी में बताया गया है कि जो भी अमोनिया है उसका मॉलिकुलर वेट कितना है, 17.03, ठीक। उसके बाद क्या है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट हमें पता है -77.7 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें -33.4 डिग्री सेल्सियस। सॉल्युबिलिटी क्या है, सॉल्युबिलिटी इसमें क्या है कि वाटर के साथ अति घन घुलनशील है, ठीक है। सॉल्युबल मतलब क्या होता है, घुलनशील मतलब वाटर के साथ अगर घुलें तो बहुत ही अच्छे से घुल जाएगा, ठीक। केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो अमोनिया कैसे बनता है हमारा, नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तब हमारा अमोनिया बन जाता है, ठीक। रॉ मटेरियल्स की बात करें, रॉ मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं, रॉ मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जिसे किन्हीं भी प्रोडक्ट को बनाने में उपयोग में लिया जाता है। मतलब कोई भी प्रोडक्ट बनाना है तो उसके लिए हमें रॉ मटेरियल्स को लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे रॉ मटेरियल्स हमारी हाइड्रोजन फ्रॉम साइंथेटिक गैस, साइंथेटिक गैस से हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन को ले रहे हैं। नाइट्रोजन फ्रॉम एयर एडिशन इन साइंथेटिक गैस प्रोसेस और फ्रॉम लिक्विफिकेशन प्रोसेस। तो नाइट्रोजन को यहाँ हम लिक्विफिकेशन प्रोसेस से भी ले सकते हैं, ठीक। अब हमारा प्रोसेस डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा गया है, प्यूरीफाई NH3 साइंथेटिक गैस, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन को हाई प्रेशर कंप्रेशन में कंप्रेस करके इसके प्रेशर को 300 to 350 ATM प्रेशर तक बढ़ाते हैं। तो आपको यहाँ बताया जा रहा है कि जो हमारे 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन और 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, इनको हम क्या करते हैं, हाई प्रेशर कंप्रेशर में ले जाके सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम कंप्रेस करते हैं, जिससे क्या होगा कि इसका जो प्रेशर होता है उसको हम बढ़ा देते हैं। उसके बाद आता है आपका दोस्तों सेकंड प्रोसेस में क्या करना है हमें, इसके बाद इसे ऑयल फिल्टर से गुजारते हैं और ऑयल की प्रेजेंस को रिमूव करते हैं। तो यहाँ पे आप सभी का देखने को मिलेगा आपको फ्लो शीट डायग्राम के अंदर, ये है ना, ये आपका था सबसे पहला वाला। सबसे पहले में क्या दिया गया है, कंप्रेशर, हाई प्रेशर कंप्रेशर, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे ऑयल फिल्टर दिया गया है, तो इसमें इसको फीड करके इसमें से ऑयल की प्रेजेंस को रिमूव करते हैं। आ जाते हैं अपने प्रोसेस पे, देन आता है आपका फीड गार्ड कन्वर्टर। फीड गार्ड कन्वर्टर में ले जाकर CO2H2S को अलग करके NH3 कन्वर्टर में ले जाते हैं, ठीक है। इसमें जो भी हमारे CO मतलब कार्बन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और H2S हाइड्रोजन सल्फाइड की प्रेजेंस होती हैं, उनको यहाँ से रिमूव करा जाता है फीड गार्ड कन्वर्टर में। आपको दिखा देता हूँ मैं, फीड गार्ड कन्वर्टर ये बना हुआ है। आगे की प्रोसेस समझते हैं, आगे की प्रोसेस हमारी क्या है, रिएक्टर में ले जाते हैं। रिएक्टर जहाँ पर एक सिलिंड्रिकल पाइप में रिड्यूस FE 500 से 600 डिग्री सेल्सियस तक एंड 100 से लेके 1000 ATM पर भरा होता है। मतलब यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल पाइप होता है जिसमें रिड्यूस आयरन हमारा 500 से
600 डिग्री सेल्सियस तक भरा जाता है। नीचे से रिएक्टर में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को भेजते हैं, ठीक है। यहाँ से नीचे से हम लोग नाइट्रोजन हाइड्रोजन को फीड करते हैं रिएक्टर के अंदर, जहाँ पर नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करके अमोनिया बनाते हैं, जिससे इसमें नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन बचा रह जाता है। यहाँ अमोनिया बन जाता है लेकिन इसमें कुछ अमाउंट में बचा रहता है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, वाटर चिलर में भेजते हैं। अब इसे हम वाटर चिलर में ले जाते हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस, जहाँ पर इसे कूल किया जाता है, ठीक। देन इसको हम सेपरेटर में ले जाते हैं। मैं आप सभी को दिखाना चाहूँगा वाटर चिलर कैसा होता है। ये है आपका वाटर चिलर, ठीक। अब इसे हम सेपरेटर में ले जाएंगे। अब गैस को साइक्लोन सेपरेटर में ले जाकर अमोनिया लिक्विड तथा नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैस को अलग कर लेते हैं। नाइट्रोजन को स्फेरिकल टैंक में कलेक्ट कर लेते हैं तथा नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन के साथ कुछ मात्रा में अमोनिया चली जाती है, जिसे हम नाइट्रोजन रिफ्रिजरेंट में स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप सभी को मैं एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। अब हम साइक्लोन सेपरेटर की मदद से नाइट्रोजन लिक्विड और नाइट्रोजन हाइड्रोजन को अलग कर लेते हैं। जैसे कि आपको पहले ही मैं बताया कि रिएक्टर में रिएक्शंस होने के बाद भी कुछ अमाउंट में वहाँ पे क्या रहता है दोस्तों, हमारा बच जाता है। क्या बचता है? नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, जो कि आपस में रिएक्ट नहीं हो पाते हैं, तो उन्हें हम आगे फर्दर सेपरेटर में लेके जाते हैं, तो उसमें से अमोनिया जो हमारे होते हैं लिक्विड फॉर्म में, उनको हम उससे अलग कर लेते हैं नाइट्रोजन हाइड्रोजन से। अब क्या होता है कि अब जो हमारा अमोनिया गैस निकलती है उसे हम रिफ्रिजरेंट NH3 रिफ्रिजरेंट में ले जाके स्टोर कर लेंगे। अब आता है आपका नेक्स्ट सेंट्रीफ्यूगल रेसिकुलेटर, ठीक है। रेसिकुलेटर, इसमें क्या है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन का प्रेशर कम हो जाता है, जिससे सेंट्रीफ्यूगल रेसिकुलेटर में ले जाकर इसके प्रेशर को इनपुट NH3 के प्रेशर तक बढ़ा देते हैं, ठीक है। नोट, नाइट्रोजन हाइड्रोजन को रिसाइकल के लिए भेज दिया जाता है। यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को रिसाइकल के लिए भेज दिया जाता है, और फर्दर आपका जो भी हमारा वो था अमोनिया था, उसको हम एक स्फेरिकल टैंक स्टोरेज में ले जाके स्टोर कर लेते हैं, जैसे कि मैं आप सभी को यहाँ दिखाना चाहूँगा। ये है ना स्फेरिकल स्टोरेज टैंक, ये आपका सेपरेटर था। यहाँ से हमारा क्या था कि हेलो दोस्तों, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट इंडस्ट्री की तरफ, जिसे हम नाइट्रिक एसिड और उसके केमिकल फॉर्मूले के नाम से जानते हैं HNO3। नाइट्रिक एसिड का जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, उसका मॉलिकुलर वेट 63.03 है, मेल्टिंग पॉइंट -42 डिग्री सेल्सियस है, बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो 86 डिग्री सेल्सियस विथ इट्स डिकम्पोजिशन, मतलब 86 डिग्री सेल्सियस पे ये बॉइल तो होगा लेकिन डिकम्पोज भी होना चालू कर देगा, ठीक। स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो 1.51, और ये कलरलेस होता है, वाटर में पूर्ण रूप से घुलनशील होता है, त्वचा के लिए जलनशील होता है, मतलब त्वचा को ये खराब कर देगा। अगर नाइट्रिक एसिड आपके स्किन बॉडी की स्किन के प्रेजेंस में आ जाए और कांटेक्ट में आ जाए, तो आपकी जो स्किन है वो कहीं ना कहीं ख़राब हो सकती है। नाइट्रिक एसिड की रिएक्शंस की बात करें तो नाइट्रिक एसिड को बनाने के लिए बेसिक रॉ मटेरियल हमारा अमोनिया की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले अमोनिया को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं, जिससे नाइट्रोजन ऑक्साइड फॉर्म होता है, देन नाइट्रोजन ऑक्साइड को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है, एंड देन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को जब हम उसके साथ रिएक्शन कराते हैं वाटर के साथ, तब हमारा अमोनिया मतलब नाइट्रिक एसिड फॉर्म होता है, ठीक। HNO3 यह आपका फ्लो शीट डायग्राम है, प्रोसेस डिस्क्रिप्शंस की बात करें तो सबसे पहले स्टोरेज टैंक से हम अमोनिया को लेते हैं, देन कंप्रेसर में भेजते हैं, जिससे एटमॉस्फेरिक एयर का
प्रेशर और टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है। कन्वर्टर व रिएक्टर इसमें तीन सेक्शन होता है और यह सेल और ट्यूब टाइप का होता है। ठीक, कन्वर्टर या फिर आप जो कन्वर्टर है उसे रिएक्टर बोल सकते हैं। ठीक, तो रिएक्टर्स में क्या होते हैं, तीन सेक्शंस होते हैं। ठीक, और यह सेल और ट्यूब टाइप का होता है। तो जो भी हमारा रिएक्टर है यहाँ पे, उसमें क्या है, तीन सेक्शंस है और क्या है, इसमें सेल और ट्यूब टाइप का होता है। ठीक, इतनी बात आप सभी को क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ नोट करके क्या लिखा गया है कि जो कन्वर्टर होता है, मतलब हमारा रिएक्टर होता है, वो ट्यूब साइड में होता है। ठीक, अब क्या है, सुपर हीटर और हीट रिकवरी बॉयलर सेल साइड में होता है। इसमें दो साइड थे, ट्यूब और सेल साइड। तो इसमें सुपर हीटर और हीट रिकवरी बॉयलर हमारा सेल साइड में गया है और कन्वर्टर और रिएक्टर हमारा ट्यूब साइड में गया है। आशा होगी आप सभी को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, आगे चलते हैं प्रोसेस डिस्क्रिप्शन में। आराम से सुनिएगा, बहुत ही बेसिक से बताऊंगा, पूरा प्रोसेस डिस्क्रिप्शन आप सभी को अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब प्रोसेस डिस्क्रिप्शन में आपका जो सेकंड स्टेज आता है वो होता है कन्वर्टर। तो कन्वर्टर में क्या करेंगे, जैसा कि केमिकल रिएक्शंस में देखे थे कि अमोनिया को सबसे पहले हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे, तो कन्वर्टर में यही चीज़ बताई गई है कि सबसे पहले अमोनिया को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म होता है। ठीक, जिसे हम नाइट्रोजन ऑक्साइड भी कह सकते हैं, और ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। तो आप सभी को बहुत ही अच्छे से पता होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में हीट क्या होती है, रिलीज होती है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट हमारी एब्जॉर्ब होती है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, हीट हमारी रिलीज होगी। लेकिन आप सभी को मैं बता दूँ, ये एक पॉइंट है, इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि कोई भी इंडस्ट्री होगी वहाँ पर वो अपनी हीट एनर्जी को वेस्ट नहीं होने देती है। ठीक है, तो यहाँ से एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हुई, जब हम अमोनिया को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराए तो नाइट्रोजन ऑक्साइड फॉर्म हुआ। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में हमारी हीट रिलीज होती है, ये हमारा समरी हो गया। ठीक, देन आपका जो थर्ड स्टेज है प्रोसेस डिस्क्रिप्शन का, वो आता है हीट रिकवरी बॉयलर। ठीक, जो हीट रिएक्शंस के दौरान बाहर निकली थी उसे हीट रिकवरी बॉयलर के अंदर लाया जाता है। ठीक है, क्या होगा, जो भी हीट हमारी रिएक्शंस जब हो रही थी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, तब हमारी जो हीट निकली थी उसे हम हीट रिकवरी बॉयलर के अंदर लेके आएंगे। और हीट रिकवरी बॉयलर में पहले से वाटर प्रेजेंट होता है, हीट की वजह से वाटर स्टीम में कन्वर्ट होगा, जिसे हम सैचुरेटेड स्टीम से प्राप्त होता है, मतलब इससे हम सैचुरेटेड स्टीम तक कन्वर्ट कर देंगे। ठीक, सुपर हीटर, ये आपका क्या है, थर्ड स्टेज है प्रोसेस डिस्क्रिप्शन का। सुपर हीटर ये सैचुरेटेड स्टीम को सुपर सैचुरेटेड में कन्वर्ट करता है। सुपर हीटर यह स्टीम का कार्य यह होता है कि इनके उपयोग से प्रोसेस स्टीम तथा कंप्रेसर में प्रेजेंट टरबाइन को मूव कराता है। मतलब जो भी हीट हमारी रिएक्शन कराने के बाद उसे हम वेस्ट हीट बॉयलर में लेके आए, और वेस्ट हीट बॉयलर का पूरा काम यही था कि उसमें बॉयलर जो भी होते हैं, आप अभी नेक्स्ट सेमेस्टर में, फिफ्थ सेमेस्टर में प्रोसेस प्लांट यूटिलिटी पढ़ेंगे, तो उसके अंदर आप सभी को बॉयलर के बारे में बहुत ही अच्छे से बताया जाएगा, कितने प्रकार के बॉयलर होते हैं। जनरली उसे दो प्रकार में क्लासीफाई किया गया, वाटर और फायर ट्यूब में। वाटर में आपके बहुत सारे बॉयलर आते हैं, विलकॉक्स बॉयलर आते हैं, और फायर ट्यूब में लंकाशायर बॉयलर आते हैं, बहुत सारे बॉयलर्स हैं। तो आप सभी उन बॉयलर को उस जगह पर पढ़ेंगे। वैसे मैं आप सभी को एक बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ, जो बॉयलर होते हैं उनका उपयोग हम स्टीम को जनरेट करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो भी रिएक्शन से हीट निकली उसे हम बॉयलर में डालें, और बॉयलर से जो हमारी स्टीम मिली उसे हम कंप्रेसर और टरबाइन को चलाने के लिए इस्तेमाल किए। ठीक है, हीट तो यहाँ पे वेस्ट नहीं होने लगी। अब आपका आता है फोर्थ स्टेज का प्रोसेस कि हम नाइट्रिक एसिड कैसे फॉर्म करेंगे। तो अभी तक हमारा नाइट्रोजन ऑक्साइड फॉर्म हो चुका है, इसे अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो रिएक्शन प्लेटिनम तथा रोहेडियम के प्रेजेंस में होती है, यह दोनों कैटलिस्ट होते हैं। ठीक, जो रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद नाइट्रिक ऑक्साइड
के साथ बाहर आ जाता है। ठीक है, कैटलिस्ट को रिकवर करने के लिए कैटलिस्ट रिकवरी फिल्टर लगाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कैटलिस्ट रिकवरी फिल्टर के बारे में पता चल गया। इकोनोमाइजर, इकोनोमाइजर क्या होता है, जिस स्टीम के हेल्प से टरबाइन मूव करता है उसमें से कंडेंसेट वाटर को हीट के साथ एक्सचेंज कराई जाती है, जिससे ये वापस से स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है और इसे हीट रिकवरी बॉयलर में भेजा जाता है। तो इकोनोमाइजर आप समझ गए होंगे। वेसल क्या है, उसके बाद नाइट्रिक ऑक्साइड को एक वेसल में लेकर आते हैं, जहां पर वेसल के ऊपर से वाटर को डालकर उसे ठंडा किया जाता है, जिससे डाइल्यूट एसिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा वो। ठीक, नाइट्रिक एसिड, यहाँ पर नाइट्रिक एसिड, ठीक, नाइट्रिक ऑक्साइड को लेकर आते हैं और ऑक्सीजन को प्रवेश कराते हैं, जिससे रिएक्शन होती है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म हो जाती है। ठीक, ऑक्सीडेशन एंड एब्जॉर्प्शन टावर के अंदर क्या होगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड फॉर्म हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ फर्दर रिएक्ट करने के बाद। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म होने के बाद ऊपर से वाटर को डाला जाता है, जिससे रिएक्शन होती है और नाइट्रिक एसिड फॉर्म होता है। ठीक, आप सभी को पता चल गया नाइट्रिक एसिड कैसे फॉर्म होगी। और ये लास्ट रिएक्शन है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मतलब NO2 को वाटर के साथ रिएक्ट कराए तो HNO3 प्राप्त हुआ। अब आता है आप सभी का यूरिया। तो यूरिया इंडस्ट्री क्या है, इसके फॉर्मूलास क्या हैं, इन सब सभी चीज़ों को अब देखते हैं। तो यूरिया, यूरिया को बनाने के लिए बेसिक दो रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है, एक हमारा होता है अमोनिया और दूसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है दोस्तों, पहला तो हो गया हमारा अमोनिया, दूसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। प्रोसेस डिस्क्रिप्शन की बात करें तो सबसे पहले अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड को कंप्रेसर द्वारा कंप्रेस करके ऑटोक्लेव मिक्सचर में भेजा जाता है। ठीक है, मैं आप सभी को एक बार फ्लोशीट डायग्राम दिखाना चाहूँगा। तो दोस्तों, यूरिया इंडस्ट्री मतलब यूरिया को मैन्युफैक्चर कैसे किया जाता है, अब इसको समझते हैं। तो यूरिया के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को हम इसके फ्लो शीट डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ऑटोक्लेव रिएक्टर। तो सबसे पहले हमारा क्या है, ऑटोक्लेव रिएक्टर आप सभी को यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो हम समझ लेते हैं ऑटोक्लेव रिएक्टर के अंदर क्या होता है, इसके अंदर की क्या प्रोसेस है। ऑटोक्लेव रिएक्टर के अंदर 185 डिग्री सेल्सियस तथा 180 ATM प्रेशर पर नाइट्रोजन मतलब अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड को आपस में रिएक्ट होकर यूरिया बनाते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस यही है कि ऑटोक्लेव मिक्सचर के अंदर ही हमारा क्या होता है कि यूरिया फॉर्म हो जाएगा। यूरिया फॉर्म कैसे होगा कि इसके अंदर हम क्या कराते हैं, 185 डिग्री सेल्सियस और 180 ATM प्रेशर में अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड को आपस में रिएक्ट कराएंगे, हमारा यूरिया फॉर्म हो जाएगा। तथा इतना हाई टेम्परेचर की वजह से वेसल ब्लास्ट ना हो जाए, इसलिए इसके किनारों से वाटर से वाश करते रहते हैं। मतलब ये जो लगे हुए हैं, मैं आपको एक चीज बताना चाहूँगा, ये जो लगा हुआ है ये इसके कूलिंग के प्रोवाइड करने के लिए किया गया, क्योंकि इतना हाई टेम्परेचर है और प्रेशर है तो हमको डर रहता है कहीं ना कहीं हमारा जो वेसल्स है वो ब्लास्ट ना हो। यहाँ से जो यूरिया प्राप्त होती है उसकी कंसंट्रेशन बहुत कम होती है, मतलब 33.7 के अप्रॉक्स तक यहाँ पे हमारा यूरिया का कंसंट्रेशन होता है और बाकी सब अमोनिया तथा CO2 और H2O होता है, जिससे इसकी कंसंट्रेशन हाई करनी होती है तभी तो मतलब यूरिया जब फॉर्म हुआ है 33.7% फॉर्म हुआ है, बाकी इसमें नाइट्रोजन अमोनिया और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड ही बचा है और वाटर बचे हुए हैं, तो यूरिया की कंसंट्रेशन को हाई करनी पड़ती है। तो अब सेकंड प्रोसेस आता है हमारा फ्लैश एवोपरेटर। अब हम पढ़ेंगे फ्लैश एवोपरेटर के बारे में, तभी तो इसकी कंसंट्रेशन को हाई करेंगे, जहाँ पर 140 डिग्री सेल्सियस तथा 27 ATM प्रेशर होता है, जिससे यूरिया की कंसंट्रेशन हाई हो जाती है और CO2 तथा NH3 वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है।
अब हमारा क्या था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया थे यूरिया के अंदर, वो हमारे क्या हुआ, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। और यहाँ से हमारा क्या हुआ कि यूरिया की कंसंट्रेशन हाई हो जाती है। इसके बाद क्या आता हमारा फ्लैश ड्रम। अब समझ रहे थे फ्लैश ड्रम में क्या है। यूरिया को फ्लैश ड्रम में लाने से पहले स्टीम इकोनोमाइजर तथा थ्रोटलिंग वाल्व से पास किया जाता है, ठीक है, जिससे इसका टेम्परेचर व प्रेशर कम हो जाता है। फ्लैश ड्रम का उपयोग लिक्विड और वेपर को सेपरेट करने के लिए किया जाता है, ठीक, जिससे यहाँ से 80% तक यूरिया प्राप्त होता है और NH3 और CO2 वेपर के रूप में बाहर निकल जाते हैं। तो फ्लैश ड्रम से क्या हुआ, जो भी हमारे NH3 थे और CO2 थे, मतलब अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड, वेपर के रूप में यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, ठीक। अब आता है वैक्यूम एवोपरेटर। वैक्यूम एवोपरेटर, अब यूरिया को वैक्यूम एवोपरेटर के अंदर भेजा जाता है, जिससे ये 99% तक मोल्टन फॉर्म में मिलता है। मोल्टन मतलब पिघले हुए फॉर्म में यूरिया मिलता है, और इसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी कम रखा जाता है तथा इसे ग्रेनुअल फॉर्म में प्राप्त करने के लिए इसे प्रिलिंग टावर में भेजा जाता है, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट है और लास्ट है प्रिलिंग टावर। प्रिलिंग टावर क्या होता है, ग्रेनुअल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करता है, ठीक। प्रिलिंग टावर किस लिए यूज़ किया जाता है कि कोई भी चीज़ है, कोई भी हमारा क्या है कि यूरिया क्या है, एक फर्टिलाइजर है, तो फर्टिलाइजर्स को ज़्यादातर हम ग्रेनुअल फॉर्म में यूज़ करते हैं। ग्रेनुअल मतलब दानेदार फॉर्म में यूज़ करते हैं, तो दानेदार फॉर्म में यूज़ करने के लिए हमको यूरिया को क्या करना पड़ता है, इसे प्रिलिंग टावर में भेज के ग्रेनुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो प्रिलिंग टावर में क्या होता है उसको समझ लेते हैं। प्रिलिंग टावर की हाइट लगभग 80 से 100 मीटर की होती है, ठीक, और इससे ऊपर से मोल्टन यूरिया डालते हैं, मतलब पिघला हुआ जो यूरिया उसे डालते हैं, और नीचे से कूलिंग एयर पास कराते हैं। जब दोनों आपस में कॉन्टेक्ट में आते हैं तो यूरिया ग्रेनुअल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो फिर ग्रेनुअल फॉर्म में मिल जाता है, ठीक है। यही थी हमारी प्रोसेस डिस्क्रिप्शन ऑफ यूरिया। अब थोड़ा सा मैं आप सभी को इसकी थ्योरी भी दिखाना चाहूँगा, क्योंकि आप सभी को लग रहा होगा कि सर ऐसे फ्लो शीट डायग्राम दिखा के समझा दिए हैं और नोट्स बनाने में प्रॉब्लम होगी, तो मैं आप सभी को इसकी थ्योरी भी दिखा दे रहा हूँ। तो दोस्तों देख लीजिए, ऑटोक्लेव रिएक्टर है जिसमें रिएक्शन हुई थी 185 डिग्री सेल्सियस और 180 ATM प्रेशर में, जिसमें क्या हुआ था, हमारा अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में रिएक्ट करके यूरिया का फॉर्मेशन किए थे, लेकिन बहुत ही कम परसेंटेज थी, लगभग 33.7% ऑफ यूरिया की कंसंट्रेशन थी। तो यूरिया की कंसंट्रेशन कम थी, इसलिए आगे फ्लैश एवोपरेटर में भेजा गया, जहाँ से इसमें से हमारी जो भी हमारे वो थे जिनकी कंसंट्रेशन हाई थी, जैसे कि अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड, उससे वेपर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया, जिससे क्या हुआ कि यूरिया हमारा क्या हुआ ज़्यादा कंसंट्रेशन में मिला। उसके आगे क्या होता है कि आगे हम इसको फ्लैश ड्रम में भेज देते हैं। फ्लैश ड्रम में क्या हुआ कि इसमें थ्रोटलिंग वाल्व और इकोनोमाइज़र वगैरह लगा था, उसके बाद हमारा जो भी यूरिया था वो 80% तक कन्वर्ट हो गया। देन एवोपरेटर का फिर हिस्ट्री है हमारी अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट का जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो इस प्रकार है कि मॉलिकुलर वेट इसका 80 होता है, मेल्टिंग पॉइंट 170 एंड बॉइलिंग पॉइंट 200 विथ इट्स डिकम्पोजिशन। एंड रिएक्शंस की बात करें तो अमोनिया को नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराने के बाद अमोनियम नाइट्रेट, जिसको हम NH4NO3 के नाम से जानते हैं, वो हमारा प्राप्त हो जाता है। अब बात कर लेते हैं प्रोसेस डिस्क्रिप्शन में कि अमोनियम नाइट्रेट को कैसे फॉर्मेशन किया जाता है। प्रोसेस डिस्क्रिप्शन में सबसे पहला यह है कि अमोनिया और नाइट्रिक एसिड दोनों को लिक्विड फेज में लिया जाता है। क्या रहेगा कि अमोनिया और नाइट्रिक एसिड जो भी हमारे रॉ मटेरियल्स हैं वो हमारे दो हैं, अमोनिया एंड नाइट्रिक एसिड, दोनों को हम लिक्विड फेज में लेंगे। उसके बाद लिक्विड फेज रिएक्टर में भेज देते हैं, जहाँ से क्या होगा कि इनका रिएक्शन होगा। अमोनिया और नाइट्रिक एसिड दोनों को एक लिक्विड फेज रिएक्टर में भेज दिया जाता है, तथा यहाँ पर एजिटेटर की मदद से अमोनिया और NH3
मिलाया जाता है, आपस में क्या करते हैं मिक्सिंग कराते हैं इसके, उसके बाद दोनों आपस में रिएक्ट होकर अमोनियम नाइट्रेट फॉर्म करते हैं। लेकिन अमोनियम नाइट्रेट यहाँ पे 75 डिग्री सेल्सियस तक था, 75% डिग्री सेल्सियस नहीं, इसकी कंसंट्रेशन की बात हो रही है, तो अमोनियम नाइट्रेट की 75% तक कंसंट्रेशन थी। तो यहाँ पे हमारा क्या था, सबसे पहले अमोनिया को स्टोरेज टैंक से और HNO3 विच इज़ कॉल्ड नाइट्रिक एसिड, दोनों को हम लोग लिए, लिक्विड फेज रिएक्टर में भेजे जहाँ पे रिएक्शंस हुई और अमोनियम नाइट्रेट फॉर्म हो गई, लेकिन कितना 75% ऑफ कंसंट्रेशन। अब क्या है दोस्तों आगे की बात कर लें, तो आगे आता है हमारा वैक्यूम एवोपरेटर। ठीक है दोस्तों, वैक्यूम एवोपरेटर क्या है और इस जगह पे वैक्यूम एवोपरेटर का क्या काम है समझते हैं। सॉल्यूशन के अंदर अमोनियम नाइट्रेट 75% तक होता है जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, और सब इसमें सॉल्वेंट मिले होते हैं। सॉल्यूशन को वैक्यूम एवोपरेटर के अंदर लेकर आया जाता है, उसके बाद इसमें हीट प्रोवाइड कराई जाती है। वैक्यूम एवोपरेटर आपकी स्क्रीन पे है, देखिए ये दिया गया है आपका वैक्यूम एवोपरेटर। इसमें क्या करते हैं सॉल्यूशन को वैक्यूम एवोपरेटर, सॉल्यूशन क्या है हमारा, जो भी हमारा HNO3 प्राप्त हुआ है, मतलब अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3 प्राप्त हुआ है, उसे हम इसके अंदर लेके आते हैं वैक्यूम एवोपरेटर के अंदर। उसके बाद इसमें हीट प्रोवाइड कराते हैं जिससे सॉल्वेंट एवोपरेट होकर ऊपर से निकल जाता है, और हाई सॉल्यूशन कंसंट्रेशन वाला हमारा NH4NO3 विच इज कॉल्ड अमोनियम नाइट्रेट प्राप्त हो जाता है। वैक्यूम एवोपरेटर से 95% तक हमारा अमोनियम नाइट्रेट प्राप्त होता है। उसके बाद क्या करते हैं कि जैसा कि आपको पता होगा, जैसा हमारा यूरिया है फर्टिलाइजर की तरह उपयोग में लिया जाता है, वैसे अमोनियम नाइट्रेट होता है, तो इसे हम ग्रेनुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना इसकी ज़रूरी है। तो ग्रेनुअल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम हमेशा प्रिलिंग टावर का यूज़ करते हैं, इसको याद रखिएगा। आगे भी अगर आपका कभी इंटरव्यू होता है तो उसमें आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोई एक ऐसा इक्विपमेंट का बात नाम बता दीजिए जिससे कि आप किसी भी सॉल्यूशन को ग्रेनुअल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आप प्रिलिंग टावर का नाम ले सकते हैं। तो प्रिलिंग टावर क्या है, ऊपर से इसमें सॉल्यूशन डाला जाता है और नीचे से एयर को पास कराई जाती है, कूलिंग एयर होती है, कूल्ड एयर मतलब ठंडी एयर। ठीक, प्रिलिंग टावर से अमोनियम नाइट्रेट ग्रेनुअल फॉर्म में प्राप्त हो जाता है। ठीक है, देन आता है आपके स्क्रीन। अब स्क्रीन प्रोसेस क्या है, स्क्रीनिंग में देख लेते हैं। ठीक, उसके बाद इसे स्क्रीन से पास करते हैं, जितने मेस आपको पता होगा दोस्तों, मेस बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था, आप सभी सेकेंड सेमेस्टर मॉस विच इज़ मैकेनिकल ऑपरेशन एंड सॉलिड हैंडलिंग में मेस एंड स्क्रीनिंग दोनों चीज़ों के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो क्या होता है कि स्क्रीनिंग प्रोसेस के लिए भेजते हैं स्क्रीन में, उसके बाद जितने साइज के मेस के ग्रेनुअल हमें चाहिए होते हैं उसको ले लेते हैं, ओवर साइज के जो भी ग्रेनुअल्स प्राप्त होते हैं उन्हें हम रिसाइकल के लिए भेज देते हैं। तो मेस का साइज होता है सारे चीज़ों को जो भी हमारे ग्रेनुअल्स फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, उनको हम लोग स्टैंडर्डाइज कर देते हैं कि इतने मेस की साइज के लिए हमारा ये सुटेबल रहेगा, तो हम उसके मेस के साइज के अकॉर्डिंग उसको क्लासीफाइड कर देते हैं। मान लीजिए इसके मेस की साइज 2 होगी, तो 2 मेस की साइज जितने भी ग्रेनुअल्स बनेंगे उनको हम आगे के प्रोसेस के लिए ले लेंगे, और जो भी 3 से 4 मतलब ओवर साइज के मेस होंगे उन्हें हम रिसाइकल के लिए भेज देंगे। आशा होगी दोस्तों आप सभी को यहाँ तक बहुत ही अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। देन आपका आता है नेक्स्ट टॉपिक, यहाँ पे आपका नेक्स्ट टॉपिक है स्टीम हीटेड कन्वेयर। स्टीम की सहायता से यहाँ पर ग्रेनुअल को ड्राई किया जाता है, उसके बाद इसे प्राप्त कर लेते हैं। तो आपकी बात हो गई दोस्तों अमोनियम नाइट्रेट मींस NH4NO3 यहाँ पे आपका प्राप्त हो गया। अब नेक्स्ट आता है अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट क्या है, इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है NH4 का होल ट्वाइस SO2, इसे हम कहते हैं अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट एक महत्वपूर्ण उर्वरक है, उर्वरक मतलब फर्टिलाइजर है। इसमें 91% तक नाइट्रोजन तथा 24% तक सल्फर होती है।
इसके लिए जो रॉ मटेरियल और प्रोसेस होता है वो कुछ इस प्रकार है। कोक ओवन गैस एंड सल्फ्यूरिक एसिड एक प्रोसेस है, डायरेक्ट न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस है, जिप्सन की विधि है और फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम सल्फेट। तो कोक ओवन गैस की प्रोसेस समझते हैं। सर्वप्रथम कोल को गर्म करके कोक का निर्माण करते हैं। क्या होता है दोस्तों, जो भी कोयला होता है उसको गर्म करने के बाद ही हमारा क्या होता है, कोक बनता है। इस गैस में 1% अमोनिया गैस होती है। क्या होता है कि ये जो हमारा कोक गैस बनता है उसमें 1% अमोनिया गैस होती है। इस गैस को ठंडा कर सेपरेटर में लाया जाता है। इस सेपरेटर में दुर्बल सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। सल्फ्यूरिक एसिड अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है और अमोनियम सल्फेट बनाता है। अमोनियम सल्फेट इस प्रकार बनाता है NS4 का होल ट्वाइस SO2। अमोनियम सल्फेट का निर्माण हो गया कोक ओवन गैस एंड सल्फ्यूरिक एसिड मेथड से। दूसरा पढ़ते हैं डायरेक्ट न्यूट्रलाइजेशन मेथड। इस विधि में द्रव सल्फ्यूरिक एसिड तथा अमोनियम गैस का न्यूट्रलाइजेशन में ले जाते हैं न्यूट्रलाइजर में। ठीक, अब इसे रिएक्टर में ले जाकर रिएक्शन कराते हैं जिससे अमोनियम सल्फेट प्राप्त होता है। तो अमोनिया को हम सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराएंगे तब भी अमोनियम सल्फेट बन जाएगा। तो ये था हमारा अमोनियम सल्फेट का। ठीक है, आशा होगी आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा अमोनियम सल्फेट। अब बात करते हैं दोस्तों फॉस्फोरस। ठीक है, आगे पढ़ेंगे फॉस्फोरिक एसिड, उससे ज़रा पढ़ लेते हैं कि फॉस्फोरस प्रकृतिक में फॉस्फोरस स्वतंत्र अवस्था में प्राप्त नहीं होती है। नेचर में हमारा जो फॉस्फोरस है वो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं अवेलेबल है। मतलब ऐसे ही नहीं कि जैसे ऑक्सीजन मिलता है वैसे सल्फर मिल जाए, ऐसा नहीं है। ठीक, संयुक्त अवस्था में या फॉस्फेट के रूप में पाया जाता है। ठीक, कुछ खनिज जिसमें फॉस्फोरस विद्यमान रहता है जैसे फॉस्फेट रॉक है, इस सब में क्या होता है फॉस्फोरस मिल जाता है। वेव लाइट है, क्लोर एपाटाइट है, इस सब में मिल जाएगा। फॉस्फोरस पौधों के विकास के लिए आवश्यक तत्व मतलब एलिमेंट होता है। फॉस्फोरस फॉस्फोरिक एसिड अमोनियम फॉस्फेट कैल्शियम फॉस्फेट नाइट्रोफॉस्फेट सोडियम फॉस्फेट आदि का प्रयोग मुख्य रूप से फर्टिलाइजर मीन्स उर्वरक बनाने के लिए किया जाता है। फॉस्फोरस का जो केमिकल फार्मूला है या फिर केमिकल रिएक्शन जिससे हमारी फॉस्फोरस फॉर्म होती है वो कुछ इस प्रकार है। 2Ca3PO4 का होल ट्वाइस प्लस में 10C प्लस में 6IO2 गिव्स आउट P4C6SiO3 प्लस में 10Cu। ठीक है, सेकंड क्या है कि P4 को 250 से 450 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे तब हमारा रेड फॉस्फोरस बन जाएगा। जो हमारा रॉ मटेरियल्स होते हैं फॉस्फोरिक एसिड या फिर फॉस्फोरस के कुछ इस प्रकार। फॉस्फोरस के निर्माण में निम्नलिखित कच्चे माल की आवश्यकता होती है। अगर हमको फॉस्फोरस बनाना है तो हमें क्या होता है कि ये सब रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ेगी। कच्चा माल क्या होता है, रॉ मटेरियल। ठीक, फॉस्फेट रॉक कोक उपचार के रूप में और सैंड फ्लक्स के रूप में। ठीक, अब बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फोरस की। फॉस्फोरस की प्रॉपर्टीज क्या है। सफ़ेद फॉस्फोरस एक नरम ठोस सॉफ्ट सॉलिड होता है या रंगहीन कलरलेस होता है, परंतु लाइट के प्रकाश में ये हमारा येल्लो कलर का दिखता है। ठीक, इसमें गार्लिक जैसी गंध होती है, मतलब इसकी जो स्मेल्स हैं वो हमारी लहसुन के जैसे है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 44.1 डिग्री सेल्सियस तथा बॉइलिंग पॉइंट 280 डिग्री सेल्सियस है। यह जल में अविलीय है, मतलब इनसॉल्युबल है, तथा कार्बनिक विलय को मतलब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में विलय है। ठीक, यूज़ ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का यूज़ हम फर्टिलाइजर में लाल फॉस्फोरस तथा फॉस्फोरस ट्राइसल्फाइड का प्रयोग दिया सलाई मतलब माचिस बनाने के लिए किया जाता है। मतलब आपके पास जो माचिस में जो मैच स्टिक्स बॉक्स में जो स्टिक्स होती हैं जिनको आप मैच स्टिक्स बॉक्स में रब करके जलाते हैं वो हमारा क्या होता है P2S3 फॉस्फोरस ट्राइसल्फाइड की वजह से वो जलता है।
ठीक, कोई भी पूछेगा इसको बता दीजिएगा। तो आशा होगी दोस्तों आप सभी को यहाँ तक बहुत ही अच्छे से क्लियर क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि फॉस्फोरस को बनाया कैसे जाता है, फॉस्फोरस का निर्माण कैसे होगा। सबसे पहले हम फॉस्फेट रॉक को ग्रिंडर में भेजते हैं जहाँ पर ग्रिंडिंग की प्रोसेस होती है और हमें फॉस्फेट रॉक पाउडर की फॉर्म में मिलता है। तो आई होप आप सभी को ग्रिंडर देखने को मिल रहा होगा और जो मैंने आप सभी को बोला वो समझ में भी आया होगा। फॉस्फेट रॉक को हम क्या करते हैं, ग्रिंडर में भेजें जहाँ पर ग्रिंडिंग की प्रोसेस हुई और हमें फॉस्फेट रॉक पाउडर की फॉर्म में प्राप्त हुई। देन आता है आपका कोक ब्रिज जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये हमारा आपका कोक ब्रिज लिखा है ठीक। ग्रिंडर से मिलने वाले फॉस्फेट रॉक में कोक ब्रिज को मिलाकर सेंटर में भेजा जाता है जहां सिंटरिंग की प्रोसेस होती है। अब सेंटर क्या है, सेंटर आपका ये बना है ठीक। सेंटर में, सेंट्रल से हमको फॉस्फेट रॉक और कोक ब्रिज का पाउडर मिक्सर मिलता है ठीक। सेंट्रल से क्या होता है कि फॉस्फेट रॉक और कोक ब्रिज का पाउडर मिलता है ठीक। अब स्क्रीन क्या है, जिसको स्क्रीन में स्क्रीनिंग के लिए भेजा जाता है जहां पर अंडर साइज मटेरियल को आगे भेज दिया जाता है ठीक है। स्क्रीनिंग में क्या होगा, अंडर साइज, जो कि हाँ अंडर साइज वैसे ऐसे मटेरियल होते हैं जो हमारे काम के हों, और ओवर साइज मटेरियल को रिसाइकल कर दिया जाता है। एक नोट पॉइंट लिखा हुआ है, नोट पॉइंट को पढ़ लेते हैं। स्क्रीन से प्राप्त अंडर साइज मटेरियल को कन्वेयर में भेजा जाता है जहाँ पर सेंड और कोक ब्रिज को भी कन्वेयर में भेजा जाता है और कन्वेयर की मदद से मटेरियल को इलेक्ट्रिक फर्नेस में भेज दिया जाता है। तो आपका इलेक्ट्रिक फर्नेस भी मैं बनाया हुआ हूँ, बहुत अच्छे से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से हमारा कोक ब्रिज के साथ में जो भी हमारा क्या था मिला हुआ है मटेरियल, उसे हम आगे इलेक्ट्रिक फर्नेस में भेज दी। इलेक्ट्रिक फर्नेस जो कि 250 से 300 वोल्ट और 3 फेज एसी पावर का होता है ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। जहाँ पर टेम्परेचर 1400 डिग्री सेल्सियस है, जहाँ पे टेम्परेचर कितना है 1400 डिग्री सेल्सियस है, वहाँ पर रिएक्शन होने के बाद हमको फॉस्फोरस मतलब P4CO डस्ट प्राप्त होता है, मतलब फॉस्फोरस के साथ कार्बन ऑक्साइड डस्ट भी प्राप्त होता है ठीक। इलेक्ट्रिक फर्नेस से मिलने वाली गैसेस को इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, आगे की प्रोसेस दिखाते हैं आपको। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर P4CO को इसमें भेजा जाता है ठीक, जहां डस्ट पार्टिकल को रिमूव कर दिया जाता है और फॉस्फोरस को, रेड फॉस्फोरस को प्राप्त कर लिया जाता है यहाँ से। आई थिंक आप सभी को समझ में आया होगा, ये हमारी दी गई है समरी में आप सभी को दिखा दे रहा हूँ कि थ्योरी क्या है। सबसे पहले फॉस्फेट रॉक को लिया गया, ग्रिंडिंग में ले जाके इसको ग्रिंड किया गया, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करा गया। कोक ब्रिज इसमें दोबारा से सेंटर में भेजा जाता है, कोक ब्रिज के साथ मिला के फॉस्फेट रॉक को। सेंटर में क्या होता है कि सेंटर से हमको फॉस्फेट रॉक और कोक ब्रिज का पाउडर मिलता है ठीक। अब आगे स्क्रीनिंग के लिए भेज देंगे जहाँ पे अंडर साइज पार्टिकल हमारे काम के होते हैं, उनको आगे के लिए भेज देंगे ठीक है। अब क्या होता है कि स्क्रीन से प्राप्त अंडर साइज मटेरियल को कन्वेयर में, जहाँ पर सैंड और कोक ब्रिज को भी कन्वेयर में भेज दिया जाता है, कन्वेयर की मदद से सभी मटेरियल को इलेक्ट्रिक फर्नेस में भेजा जाता है। इलेक्ट्रिक फर्नेस में क्या होता है, 250 से 300 वोल्ट और 3 फेज एसी पावर का होता है ठीक। जहाँ पर टेम्परेचर 1400 डिग्री सेल्सियस होती है, वहाँ पर रिएक्शंस होते हैं किनके बीच में, इसको ध्यान में रखिएगा कि जो हमारा फॉस्फेट रॉक था वो कोक ब्रिज के साथ और सैंड के साथ मिलकर रिएक्शन किया था और फॉस्फोरस को बनाया था, इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा। आशा होगी आप सभी को फॉस्फोरस का निर्माण अच्छे से समझ में आ गया होगा। पढ़ लेते हैं, फॉस्फोरिक एसिड विच इज कॉल्ड H3PO4, जिसे हम H3PO4 के नाम से जानते हैं। तो फॉस्फोरिक एसिड का उपयोग अधिकतर फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में, अतिरिक्त सोप एंड डिटर्जेंट इंडस्ट्री में भी होता है, मतलब फॉस्फोरिक एसिड का यूज़ हम लोग
उसमें क्या कहते हैं फर्टिलाइजर में भी करते हैं और सोप और डिटर्जेंट इंडस्ट्रीज में भी करा जाता है। रॉ मटेरियल्स की बात करें तो फॉस्फोरिक एसिड के निर्माण में मुख्य पदार्थ फॉस्फेटिक चट्टान तथा सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। इसे वेट प्रोसेस द्वारा बनाया जाता है। केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो CH3PO4 का फोल्डर विच इज कॉल्ड फॉस्फेटिक रॉक एंड 3H2SO4 कॉल्डा सल्फ्यूरिक एसिड प्लस में 6H2O विच इज वाटर। आपस में तीनों जब रिएक्शन करते हैं तो H3PO4 विच इज कॉल्ड फॉस्फोरिक एसिड का निर्माण करते हैं और CH4 इंटू में 2H2O शायद से दोस्तों ये जिप्सम फॉर्म होता है। ठीक है, बाकी की बात कर लें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि यह एक रंगहीन और क्रिस्टलाइन यौगिक है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 42.4 डिग्री सेल्सियस तथा बॉइलिंग पॉइंट 213 डिग्री सेल्सियस है। जल में पूर्ण रूप से विलय है, घुलनशील है और सोल्यूबल है या नॉन वोलेटाइल लिक्विड है और ट्राई बेसिक एसिड है। यूजेस की बात कर लें तो फर्टिलाइजर के निर्माण में, धातुओं के कोरिजन से प्रोटेक्शन के लिए, मतलब जो भी हमारा संचारण हो जाता है, कोरिजन हो जाता है, उससे हमारा प्रोटेक्शन के लिए। चीनी के बर्तनों पर पॉलिश करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, फॉस्फोरिक एसिड का, परीक्षक के रूप में। अब बात कर लें फॉस्फोरिक एसिड्स के प्रोसेस डिस्क्रिप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की। तो सबसे पहले क्या है, सर्वप्रथम सल्फ्यूरिक एसिड तथा फॉस्फेट रॉक जो कि CA3PO4 का होल्टॉइजर है को रिएक्टर में अभिक्रिया कराई जाती है जिससे फॉस्फोरिक एसिड तथा जिप्सम फॉर्म होता है। जिप्सम जो कि मैंने बताया CaSO4 इंटू में 2H2O जो कि यहाँ पे आप सभी को मैंने रिएक्शंस के दौरान दिखाया था, फिर से बता दे रहा हूँ कि ये हमारा क्या है, ये हमारा है जिप्सम और ये है फॉस्फोरिक एसिड। ठीक, रिएक्शंस हुई, यहाँ पे जिप्सम और फॉस्फोरिक एसिड प्राप्त हुआ। जिप्सम क्रिस्टलों को फिल्टर कर लेना चाहिए। ठीक है, जिप्सम क्रिस्टल को जो भी थे उसको फिल्टर कर लेना चाहिए। अभिक्रिया का जो रोटेशन टाइम होता है वो 1.5 से लेकर 12 आवर तक होता है। आगे की प्रोसेस में इसको हम वैक्यूम कूलर में भेजते हैं। अभिक्रिया को वैक्यूम कूलर लगाकर ठंडा किया जाता है या अभिक्रिया कंटिन्यूअस चलती रहती है। ठीक है, तथा गैस डस्ट को पानी द्वारा गुजारा जाता है। अब मैं आप सभी को एक बार फ्लो शीट डायग्राम के थ्रू बताना चाहूँगा। फ्लो शीट डायग्राम में क्या है कि इसमें सबसे पहले फीडर होता है। ठीक, फीडर से हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम फॉस्फेट रॉक और हाईली कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्टर में भेजते हैं। रिएक्टर में एजिटेटर लगा होता है, जैसे कि ये आपको दिख रहा है, ये दोनों हमारे एजिटेटर ही तो हैं जो कि रिएक्शंस कराते हैं CaPO4 और H2SO4 के बीच में। ठीक है, जिससे हमारा वीक फॉस्फोरिक एसिड मिल जाता है H3PO4। उसके बाद क्या करते हैं, इसको हम लोग ट्रैवलिंग पैन फिल्टर में भेजते हैं। ये आपका बना हुआ है ट्रैवलिंग पैन फिल्टर। ठीक, फॉस्फोरिक एसिड्स में से जिप्सम को अलग करने के लिए हम सॉल्यूशन को ट्रैवलिंग पैन फिल्टर में भेजते हैं, जहाँ पे ग्रेविटी सेडिमेंटेशन के कारण जिप्सम सॉल्यूशन नीचे की ओर बैठ जाता है और यहाँ पर हॉट वाटर की मदद से वॉशिंग की प्रोसेस भी की जाती है। यहाँ से जिप्सम को अलग कर लेते हैं, तो ट्रैवलिंग पैन फिल्टर से जिप्सम अलग हो गया। देन आता है सेटलर, नीचे ही आपको दिखेगा सेटलर। उसके बाद आएगा आपका सिंगल इफेक्ट एवोपरेटर। ठीक है, अब 40% तक H3PO4 की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने के लिए हम H3PO4 की सॉल्यूशन को सिंगल इफेक्ट एवोपरेटर में भेजते हैं, जहां पर सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट को रिमूव कर दिया जाता है और H3PO4 विच इज कॉल्ड फॉस्फोरिक एसिड की कंसंट्रेशन इंक्रीज की जाती है। फिर हमको लगभग 75% तक हाईली कंसनट्रेटेड फॉस्फोरिक एसिड मिल जाता है। तो सिंपल इफेक्ट एवोपरेटर में यही है कि यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो हमारा सॉल्वेंट है उसको रिमूव कराते हैं
और जो भी हमारा फॉस्फोरिक एसिड था उसके कंसेंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट न्यूट्रलाइजेशन सेक्शन। हाईली कंसेंट्रेटेड H3PO4 को फर्टिलाइजर के लिए न्यूट्रलाइजेशन सेक्शन में भेजा जाता है, जहां पर 93-98% तक सल्फ्यूरिक एसिड की हेल्प से फॉस्फोरिक एसिड को न्यूट्रल कर दिया जाता है। ठीक, अर्थात पीएच वैल्यू को मेंटेन किया जाता है। इसका जो पीएच वैल्यू होता है वो 6-8 के बीच में रैंग आउट करता है और फर्टिलाइजर के इसमें NS3 मिला देते हैं। तो हमारा यही समझिए कि फॉस्फोरिक एसिड 98% तक फॉर्म हो चुका है अब। ठीक है, रोटरी ग्रेनुलेटर जो कि लास्ट है, ये है आपका, ये बना है रोटरी ग्रेनुलेटर। रोटरी ग्रेनुलेटर नेचुरल H3PO4 मतलब फॉस्फोरिक एसिड को रोटरी ग्रेनुलेटर में भेजा जाता है, जहां पर फीडर की हेल्प से पोटास क्रिस्टल को भी रोटरी में डाला जाता है, जिसके बाद ग्रेनुलर फर्टिलाइजर मिलता है। पोटास क्रिस्टल को यहां पे डाला जाता है फीडर की हेल्प से। ठीक है, देन आपका रोटरी ड्रायर है, और रोटरी ड्रायर का यही होता है जो भी हमारा ग्रेनुलर फॉर्म में हमारा फॉस्फोरिक एसिड आया है उसको ड्राई किया जाता है रोटरी ड्रायर के अंदर। ठीक है दोस्तों, आपका फॉस्फोरिक एसिड भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। देन आपका आता है कॉस्टिक सोडा। ठीक है दोस्तों, अब आता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, विच इज कॉल्ड अ कॉस्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का जो मॉलिकुलर वेट है वो 40 होता है, बॉइलिंग पॉइंट की बात करें 139 और मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो 318। यूजर्स की बात करें तो इसका बेसिकली पेपर, डिटर्जेंट, सोप इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आप सभी को दिख रहा होगा। सबसे पहला आता है हमारा ब्राइन प्यूरीफायर। ठीक है, ब्राइन प्यूरीफायर है, देन फिल्टर, देन डायफ्राम सेल, मल्टी इफेक्ट एवोपरेटर, ड्रायर, ऐसे ऐसे करके हमारे कांस्टेंट फीड टैंक, साल्ट सेचुरेटर, मर्क्यूरी सेल, डिम्यूडिंग टावर, और देन हमारा फॉर्म हो जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ब्राइन प्यूरीफायर में क्या होता है, ब्राइन और Na2CO3 को ब्राइन प्यूरीफायर में लेकर आया जाता है, जैसे कि आपको ऊपर देखने को मिल रहा होगा। यहाँ दोनों मिक्स होकर NaOH का निर्माण करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, और हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन और हाफ मोल ऑफ क्लोरीन मतलब Cl2 भी प्राप्त होता है। और यहाँ पर जो भी हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा उसकी कंसंट्रेशन बहुत कम होती है, लगभग 25-28% तक, तो इसकी परसेंटेज को इंक्रीज किया जाता है आगे की प्रोसेस में। देन हमारा आता है फिल्टर। फिल्टर में क्या करते हैं, अब इसे हम फिल्टर में लेकर आते हैं। फिल्टर का उद्देश्य यह होता है कि बड़े पार्टिकल को यह रिमूव करता है। देन इसको हम स्टीम में लेकर जाते हैं, तथा स्टीम के साथ टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है, और क्या करते हैं, हीट अप करते हैं। ठीक, टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं स्टीम के साथ, इसको हीट अप करके। जन आता है आपका डायफ्राम सेल, यह काम डायफ्राम सेल का यह काम होता है कि ये H2 और Cl2 को रिमूव करता है NaOH के साथ में जो बने हुए हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन, उन्हें ये रिमूव करता है। देन आता है आपका मल्टी इफेक्ट एवोपरेटर, जिसका यूज़ इसमें प्रेजेंट सॉल्वेंट को रिमूव करना होता है और इसकी कंसंट्रेशन को 50% तक बढ़ा देना होता है। ठीक है, देन आता है सेंट्रीफ्यूग। सेंट्रीफ्यूग का उपयोग दो फेज को अलग करने के लिए किया जाता है। देन आता है साल्ट सेचुरेशन, इसमें ब्राइन डाला रहता है जो कि इसके साथ दोबारा रिएक्शन करके सेचुरेट फॉर्म में ले आएगा। ठीक है, फिर आपको फिल्टर में फिर से यहाँ पे फिल्टर से गुजारा जाएगा जो कि इसमें मिले इम्प्योरिटीज को रिमूव करेगा। फिर आता है आपका कांस्टेंट हेड फीड टैंक, यह सिंपली एक होल्डिंग टैंक होता है जहाँ पे इसे स्टोर कर लिया जाता है। देन आता है आपका मर्करी सेल। मर्करी सेल में एनोड होता है कैथोड की तरफ, जो कि जो Na होता है वो हमारा कैथोड की तरफ चला जाता है, तथा Cl हमारा एनोड की तरफ, और जो NaCl रिएक्ट नहीं हो पा रहे हैं उन्हें दोबारा से ब्राइन वाले में डाल दिया जाता है। ठीक है, आता है फिर आपका डीह्यूमिडिंग टावर। डीह्यूमिडिंग टावर क्या है, जो NaOH मर्करी सेल से प्राप्त होता है उसमें कुछ
मरकरी भी आ जाती है, उसे डिमोल्डिंग टावर रिमूव करता है। देन फिल्टर करके हम क्या करते हैं, अपना कास्टिक जो भी था हमारा कास्टिक सोडा उसे प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 70% तक हमारा NOH हमको प्राप्त हो जाता है। अब नेक्स्ट इंडस्ट्री आती है हमारी सोडा एस, जिसे हम सोडियम कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। सोडियम कार्बोनेट को सबसे पहले निकोलस ली ब्लैंस ने 1887 में डिस्कवर किया था, मतलब मैन्युफैक्चर किया था, डिस्कवर नहीं बोल सकते, यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने ही सोडियम कार्बोनेट को बनाया था, निकोलस ली ब्लैंस ने। रॉ मटेरियल्स की बात करें सोडियम कार्बोनेट को बनाने के लिए, सोडियम क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड, चूने का पत्थर और कोक, ये चार चीज़ों को हम यूज़ करके सोडियम कार्बोनेट को बना सकते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो मॉलिकुलर वेट यहाँ पे आपका निकल के आता है 106, मेल्टिंग पॉइंट 851 डिग्री सेल्सियस, और पानी में अति घुलनशील है, सोल्यूबल इन वाटर। मैनुफैक्चरिंग प्रोसेस की बात करें तो नमक का प्रयोग ब्राइन के रूप में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नमक का प्रयोग क्या करते हैं हम लोग, ब्राइन के रूप में करते हैं। इस विधि में अमोनिया को कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में ब्राइन सॉल्यूशन के रूप में किया जाता है। ठीक है, अमोनिया को ब्राइन सॉल्यूशन के रूप में लिया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में। इस विधि में अमोनिया को सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में घोला जाता है। ठीक है, तथा फिर इस सॉल्यूशन की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराई जाती है, जिससे सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे NaHCO3 भी कहते हैं, वो बन जाता है। प्राप्त सोडियम बाइकार्बोनेट का कैल्सिनेशन कराने से उच्च शुद्धता का सोडियम कार्बोनेट मिलता है। तो ये है हमारा सोडियम कार्बोनेट सोडा एस की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। आई थिंक दोस्तों आप सभी को समझ में आ गई होगी, यही है कि इस विधि में अमोनिया को सोडियम का क्लोराइड के सॉल्यूशन में घोला जाता है, फिर इस सॉल्यूशन को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराई जाती है, जिससे सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब NaHCO3 बनता है। प्राप्त सोडियम बाइकार्बोनेट का कैल्सिनेशन कराने से उच्च शुद्धता का सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, जिसे हम सोडा एस के नाम से जानते हैं।